अस्सलाम वालेकुम पाक विलेज, मेरा नाम है सुनील मंज और मैं यूजर रिव्यू सीरीज के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। आज का रिव्यू जो है ये होंडा वेजल के ऊपर है। काफ़ी अरसे से हम कमेंट सेक्शन में पढ़ रहे थे, लोगों की डिमांड थी कि जी होंडा वेजल का यूज़र रिव्यू करें, और हमारी दोस्त भी हैं, हमारी कलीग भी हैं, हम एक प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे थे, तो मैंने इसकी लिबर्टी लेके उनसे कहा कि जी हम आपका यूज़र रिव्यू रिकॉर्ड करते हैं। तो रबी की ये गाड़ी है और हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने कब ली, कब कितने की ली, और जो नॉर्मल रिव्यू हमारे क्वेश्चन होते हैं हम उसको शुरू करते हैं। तो रबी, आपकी गाड़ी का मॉडल क्या है, आपने कब ली थी और कितने की ली थी, अपने यूजर्स को अगर बता दें आप ज़रा। वेल, इस गाड़ी को मैंने 2017 में लिया था और 17 का ही मॉडल था, एंड आई एक्चुअली वांटेड 0 मीटर गाड़ी। ठीक है। तो वो यूजुअली आपको पता है लाहौर के अंदर 0 मीटर गाड़ी वीजल जो है वो बड़ी कम उस टाइम पे पिछले साल बहुत कम मिल रही थी। सही है। तो वो फिर फाइनली यू गाइस फाउंड इट एंड आई गॉट इट इंपोर्टेड, और ये मैंने 40 लाख की ली थी। अच्छा, बाय द वे आपने ये गाड़ी, मैं पहले बता दूं, ऐड नहीं लेकिन पार्क व्हील्स के थ्रू ही ली थी। हां जी, पार्क व्हील्स। ठीक है जी, 4 मिलियन की। एक सेकंड, मेरे घर की सारी गाड़ियां पार्क व्हील्स के थ्रू ही आती हैं। ठीक है। और ये आपने गाड़ी कितने की ली थी उस टाइम पे? 40 लाख की। 40 लाख रुपीस की आपने गाड़ी ली। तो जब आपने 40 लाख रुपए खर्चने थे, आपका एक बजट था, तो आपका जो प्राइस डिसीजन है वो डिपेंडेंट था कि इंपोर्टेड वर्सेस लोकल या बजट के लिहाज से जा रही थी? आई वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या आपका जो था ना थॉट प्रोसेस क्या था, कि आपने 40 लाख का एक ज़हन में बजट रखा हुआ था, या आपने ये रखा हुआ था कि जी मुझे वेजल ही लेनी है, या आपने कोई कंपैरिजन किया था इस लीक की गाड़ियों का? एक्चुअली मैंने कंपैरिजन डेफिनेटली किया था। आई वेंट टू द होंडा शोरूम, वहां पे मैंने इस तरह की एक जो लोकल मेड गाड़ी है, गॉटन द नेम होंडा HR-V आती है, वो लोकल नहीं होती, इंपोर्टेड है, बट वो नॉन हाइब्रिड है। ओके, नॉन हाइब्रिड गाड़ी मैंने देखी थी। अच्छा, आई थॉट कि वो पाकिस्तान में असेंबल होती है। नहीं, वो देते हैं शोरूम पे, लेकिन है इंपोर्टेड। ओके, तो वो मैंने देखी, मुझे पसंद नहीं आई। एक तो हाइब्रिड नहीं थी, दूसरे इसके बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आई रियली वांटेड देम। एक तो इसकी जो सीट वार्म हो जाती है, जो आजकल मैं विंटर में बहुत एंजॉय कर रही हूँ। हाइब्रिड का बहुत फायदा है बिकॉज मेरा जो पाँव है वो फ्यूल के ऊपर बहुत ही हैवी है। ठीक है। तो नुकसान भी ये है कि जब मैं लॉन्ग रूट्स पे जाती हूँ तो फिर मेरा जो फ्यूल है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। ठीक है। बट अगेन, इंटरसिटी जो है वो मेरी ड्राइव बड़ी स्मूथ है, और दूसरा मुझे ये लगता है कि ये लेडीज के लिए इट्स सॉर्ट ऑफ अ जीप। ठीक है। I mean, I can't imagine myself driving a Prado or Land Cruiser. I can imagine myself driving like this car. उसकी वजह उसका साइज है? साइज ऑफ कोर्स, और दूसरा लाइक मेरी हाइट भी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी लड़कों की होती है, तो मुझे बड़ा आसानी से मैं दाएं बाएं देख लेती हूँ। इट्स अ मैनेजेबल कार। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स मुझे हुई, जैसे इसके अंदर जो ब्रेक असिस्टेंस थी कि सामने से एक बंदा गुजर गया तो था करके मेरी गाड़ी रुक गई, तो मैंने काफी असिस्टेंस, चूंकि मैंने लाहौर में ड्राइव करनी, आई एम नॉट ड्राइविंग इट एनीवेयर एल्स, तो वो मैंने बंद कर दी। बट इट्स सच अ कंफर्टेबल कार, मुझे बड़ी खुशी है। एंड आई वाज, यू नो, आई कीप ऑन चेंजिंग माय कार्स। मैंने इससे पहले मर्सिडीज कन्वर्टेबल ली हुई थी, उससे पहले मैंने होंडा ली हुई थी जो ग्रैंडी है, सॉरी टोयोटा ग्रैंडी ली हुई थी। बट ये गाड़ी वाहिद गाड़ी है जिसके साथ मैंने पूरा साल गुजार लिया, एंड आई प्लान टू कीप दिस कार। सो इट मींस इट हैज सो आपका परचेज डिसीजन बेसिकली यू वांटेड टू बाय अ वेजल, तो आप प्राइस कंस्ट्रेंट से नहीं जा रही थी, आपको वेजल ही लेनी थी। तो फिर आपने कंपेयर किया कि HR-V वर्सेस ये, इसमें ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, अब कोई ऐसी खास ऑप्शन जो आप बताना चाहें हमारे यूजर्स को कि इस गाड़ी के अंदर जिनके पास ये गाड़ी नहीं है, कि भाई इसमें ये ऑप्शन है जो कि डिफरेंशिएट करती है इसको HR-V से, या फिर किसी भी दूसरी गाड़ी से आप कहेंगे मैंने 40 लाख रुपए की गाड़ी खर्ची, इसमें ये चीजें, ये ऑप्शन है, मतलब पावर विंडो, पावर स्टेयरिंग तो एक स्टैंडर्ड ऑप्शन है ना, उसके अलावा ऐसी ऑप्शन से आपने बताया हीटेड सीट्स बड़ी अच्छी ऑप्शन है, और असिस्टेंस बहुत अच्छी है, लेन असिस्ट है, मोटरवे पे जा रहे होते हो तो आपको काफी सुकून हो जाता है। ठीक है। और दूसरा, इट्स वेरी टफ कार। जस्ट बॉट अ फार्म हाउस इन बेदियां, तो मुझे वहां पर जाने के लिए कोई लाइक अगर मेरे पास सिविक वगैरह होती तो मुझे बड़ा तकलीफ होती, बट ये गाड़ी इट्स लाइक वेरी कंफर्टेबल इवन फॉर दैट। सो एसयूवी है तो आपको एनी ग्राउंड क्लीयरेंस का इशू नहीं है, आप खड्डों वाली सड़क पे कच्चे पक्के रास्तों पे जा सकते हैं। हां, झटके कम लगते हैं इसमें। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये। और ऑप्शंस वाइज कोई और ऐसी ऑप्शन जिस तरह अगर आपको कि जी आपने कहा कि वो आपके पास आ गया, लेन असिस्ट आ गया, पार्किंग सेंसर है? पार्किंग सेंसर मैंने कभी यूज नहीं किया। पार्किंग सेंसर नहीं किया, स्टीयरिंग कंट्रोल है, और इसके अंदर ये इसके 3-4 मोड है, मैनुअल गियर्स की भी वो है, तो वो भी मुझे। अच्छा, पैडल शिफ्टर्स भी, अगर आपने गाड़ी चलानी है तो आप स्टीयरिंग पे बैठे गियर चेंज कर सकते हैं रेस लगाने के लिए। ठीक है। और इसमें इसके अलावा कोई ऐसी ऑप्शन जो आपको लगती है बहुत अच्छी है, ज़ीनॉन हेडलैम्प्स वगैरह हैं, रेन सेंसर वाइपर्स हैं, ये ऑटो डिमिंग मिरर है, ये बड़ा अच्छा है बिकॉज मैं रात को अक्सर जब ड्राइव कर रही होती हूँ तो इट्स वेरी हार्ड फॉर मी, क्योंकि आप पहले इतनी लाइट्स देखकर कॉन्सर्ट्स पे रिकॉर्डिंग्स पर आ रहे होते हैं, तो वो जो हेडलाइट्स होती हैं बहुत जोर से आपकी आंखों पे लगती है, स्पेशली जब आपके पीछे कोई बंदा फुल हेडलाइट्स करके आ रहा हो, सो दैट्स अनदर कंफर्टेबल फीचर, नो डाउट। ठीक है, तो वो बड़ा अच्छा फीचर है। अच्छा, उसके अलावा आपको इस गाड़ी लेने के बाद फील हुआ कि यार मैंने 40 लाख रुपए की गाड़ी खरीदी, गलती की, या मैं कोई और चीज ले लेती, या कोई ऐसी चीज जो आप इस गाड़ी में मिस करती हो कि यार इसने पैसे खर्चे, ये चीज ऑप्शन भी होनी चाहिए थी?
नहीं इसके अंदर सब कुछ है आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ लगा इन फैक्ट आई थिंक इट्स अ गुड कार इसमें कोई भी ऐसा प्रॉब्लम मुझे नहीं लगा कि मैंने 40 लाख रुपीज अपने वेस्ट किए हैं मुझे बल्कि मैं बता रही हूँ ना कि सबसे ज्यादा चलने वाली मेरे साथ गाड़ी यही है अदरवाइज आई कीप ऑन चेंजिंग कार्स तो ये इतना इसने मुझे कम्फर्ट दिया है कि मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं इस गाड़ी को चेंज करूँ आई डोंट थिंक सो कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम इस गाड़ी के साथ हुई है सही है इट्स अ बेस्ट कार आई कुड हैव आपने पहले बताया कि क्योंकि आपका फ्यूल एवरेज की भी बात हुई थी तो हम उस पर भी कर लेते हैं लोगों का ये सवाल होता है कि इस गाड़ी के बीइंग हाइब्रिड इसकी फ्यूल एवरेज कितनी है शहर में आप चलाती हैं तो एक लीटर में क्या एवरेज देती है इस वक्त इसकी 14.4 आ रही है सही है और आप यकीन करें कि मैं बहुत स्पीड में और अजीब अजीब तरह से कट्स लेके एट टाइम्स गाड़ी चलाती हूँ तो वो इसकी एवरेज बहुत अच्छी है अगर कोई अच्छा ड्राइवर मेरे से अच्छा ड्राइवर चलाए तो मेरा ख्याल है कि इसकी एवरेज 16-17 तक भी आ सकती है और लॉन्ग पे लॉन्ग पर अक्सर ये होता है कि मैं इसको थोड़ी सी ज्यादा स्पीड पर चलाती हूँ और मुझे हमेशा जल्दी होती है पहुँचने की आउट ऑफ स्टेशन तो मेरी एवरेज को इतनी इंप्रूव नहीं करती बट थोड़ी सी बेहतर हो जाती है वैसे भी हाइब्रिड गाड़ियों का आपको बताऊं कि जो शहर में उनकी एवरेज होती है वो ज्यादा अच्छी होती है लॉन्ग पे कम होती है रीजन बीइंग जो उसकी टेक्नोलॉजी होती है जब आप ब्रेक लगाते हैं और वो इलेक्ट्रिक मोटर पे जाती है तभी वो फ्यूल सेव करती है और लॉन्ग पे जब आप जा रहे हैं तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मैंने पहले ही बता दिया था कि लॉन्ग रूट पे मुझे बहुत महंगी पड़ती है कोई नोन प्रॉब्लम्स इस गाड़ी की या आपको कोई चीज फेस हुई है जिसे आप कह रहे हैं ये बड़ा मसला इस गाड़ी का एक दफा तो मैंने बता दिया था कि ब्रेक असिस्टेंस पे मैं लिबर्टी चौक से जा रही हूँ एक भाई जो है वो ऐसे करके गुजरे जैसे हमारे मुल्क के लड़के करते हैं तो ये ठा करके रुक गई एंड आई वाज लाइक टोटली शॉक्ड कि व्हाट हैपेंड टू दिस कार उस वक्त तक मुझे ब्रेक असिस्टेंस का पता ही नहीं था अब आप देखें मैंने उसको बंद करवाया आपने ऑफ किया हुआ ठीक है और कोई ऐसी थोड़ा सा डस्ट की वजह से इसकी विंडो जो है वो ऊपर नीचे बड़ी मुश्किल से हो रही है स्टक हो रही है लेफ्ट साइड वाली ये उसका ऑटो सेंसर जो है वो बेसिकली इसका काम कर रहा है बेसिकली इशू ये होता है कि इनमें सेंसर लगे होते हैं और वो इसका मकसद ये होता है कि आपका हाथ अगर बीच में आ जाए तो वो उस पे ना लगे फिलहाल वो उसके चैनल के अंदर मिट्टी आ गई इसकी वजह से इंटरेस्टिंग बात जो सबसे मजे की बात है इस गाड़ी की कि वो अक्सर मेरा ये जो दाएं बाएं वाले शीशे है ना ये अक्सर ट्रकों को मारती हूँ गाड़ियों को मारती हूँ मुझे आइडिया नहीं रहता गाड़ी का ये शीशे इसके बहुत सॉलिड है अगर किसी और गाड़ी के होते ना तो वो 6-7 दफा चेंज पे करवा चुकी हूँ ऑलरेडी ठीक है इस गाड़ी के जो शीशे है ना ये बहुत बहुत सॉलिड है नहीं टूटे दे आर वेरी स्ट्रांग या ट्राई करते रहे इंशाल्लाह कभी ना कभी कामयाबी होगी अच्छा उसके अलावा आप वो वाकई बता रही थी कोई स्पेयर व्हील की आपको जरूरत पड़ी थी वो नहीं अच्छा हाँ एग्जैक्टली इस गाड़ी का एक और एग्जैक्टली आपने मुझे क्या ड्रॉनी याद ताज़ा करवा दी कि इसका एक प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर स्टेपनी नहीं होती ठीक है और कभी कभार आई मीन वी आर ह्यूमंस तो हमें गलतियां तो होती हैं तो वो जो ऐसे करके वो नहीं लगे होते आपके बैरियर से लगे होते हैं जो कि कांटों की तरह जो टायर बस्टर जो ऐसे ऐसे करके लगा होता है एग्जैक्टली जो एक तरफ से नीचे हो जाते हैं अब मैडम उस तरफ से चारों टायर लेके गुजर गई उल्टी हाँ और चारों में से आवाज तो सबकी आई बट एक टायर मेरा फट गया उसके बाद आई वॉज समवेयर इन गुजरांवाला कैंट तो आई डिड एवरीथिंग बट आई कुडंट गेट द स्टेपनी आई कुडंट गेट एनीथिंग फिर किसी ने मुझे ट्यूब उसके अंदर कहा बट इट नेवर वर्क्ड और मैं सुबह 4 बजे तक इस स्टेपनी ना होने की वजह से इस गाड़ी में ख्वार होती रही सो दैट वाज अ बैड इंसिडेंट यस स्टेपनी शुड बी देयर तो स्टेपनी इसलिए नहीं होती कि इन गाड़ियों में जो है ना उन्होंने वो टायर के साथ वो दिया होता है एक तो वो हवा वाली पंप दिया हुआ डिगी में फट चुका था वो फट गया था ना उनको तो नहीं पता कि आप ऑपोजिट चला देंगे गाड़ी को बट येट दैट इज अ प्रॉब्लम अब तो पता नहीं चारों टायर कैसे बच गए पाकिस्तानी खवातीन के लिए ना अनफोरसीन रखना चाहिए सबके लिए होना चाहिए बट स्पेयर टायर इज अ प्रॉब्लम पाकिस्तान में नहीं है पाकिस्तानी सड़कों के लिए फॉर श्योर होना चाहिए कॉन्फिडेंट एक्चुअली कि कुछ नहीं होगा बट हो बिकॉज ये जापानीज डोमेस्टिक मॉडल है ना पाकिस्तान के लिए बना नहीं हुआ आपने इंपोर्टेड गाड़ी खरीदी नहीं उसके बाद आई वेंट ऑल द वे टू मरी आई ड्रोव ऑल द वे देयर मैंने बर्फ पे चलाई इधर उधर चलाई इसके अंदर हाँ ब्रेक होल्ड भी एक बहुत अच्छा फीचर है कि वंस आई वाज क्लाइंबिंग देयर कालाबाग की तरफ तो उधर बड़ी स्टीप किस्म की वो चीजें थी आर्मी का जो सेटअप है तो वहां पर इसका जो ब्रेक होल्ड है ना दैट वाज एक्चुअली बर्फ के ऊपर आपको पता है कि गाड़ी स्किड भी करती है सारा कुछ है बट इट वर्क वेरी वेल देयर बट ये गाड़ी 4x4 नहीं है नहीं है बट टर्बो वर्क्स एज वेल इसके लोअर गियर्स भी ठीक है मैंने उनको यूज भी किया है टर्बो इसका बहुत अच्छा है चलाती कम हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने अभी तक इस गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलवाया वो जो नॉर्मल होता है पेट्रोल हाई ऑक्टेन पर ही इसको रखा है बिकॉज आई थॉट कि वैसे आई नीडेड टू आस्क दैट लोग मुझे कहते हैं कि अगर मैं हाई ऑक्टेन ज्यादा डलवाऊंगी तो इंजन ड्राई हो जाएगा इज दैट सो नहीं ऐसे कुछ नहीं होता वो एक मिसकंसेप्शन हमारे यहाँ पे लोगों ने बनाई होती है कि जी ड्राई हो जाएगा कुछ नहीं होगा पॉइंट ही होता है कि आपकी गाड़ी में जब आप हाई ऑक्टेन डालते हैं तो जब गाड़ी रिच फ्यूल की या उसको अच्छी क्वालिटी की फ्यूल की आदत हो जाती है उसके बाद जब आप उसके ऊपर दूसरा फ्यूल डालेंगे तो गाड़ी नॉक करेगी तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हाई ऑक्टेन से इंजन ड्राई हो जाएगा सिर्फ ये कि वंस द कार गेट यूज्ड टू दैट गुड क्वालिटी ऑफ फ्यूल तो जब आप उस पर गंदा फ्यूल डालेंगे तो फिर उसमें नॉक ज्यादा हो जाएगा और नॉक जो है वो इंजन के लिए बुरा होता है गाड़ी के इंजन की नॉकिंग की वजह से उसका जो है कई पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं गाड़ी ओवरहीट हो सकती है बट
ये कहीं नहीं लिखा हुआ और टेक्निकली ये बात बिल्कुल गलत है कि हाई ऑक्टेन से गाड़ी ड्राई हो जाएगी, बट हाई ऑक्टेन की प्राइस जो है वो तकरीबन 30% ज़्यादा है। सो अगर आपका पेट्रोल 90 रुपए का है तो हाई ऑक्टेन जो है वो 130 रुपए के करीब। नहीं ज्यादा जल्दी नहीं होता, बट उसकी जो कम्बशन, अगर आप टेक्निकली पूछे तो उसकी कम्बशन एफिशिएंट होती है, जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी गाड़ी की कम होती है और गाड़ी जो हाई ऑक्टेन पे आपको फ्यूल एवरेज देगी वो भी नॉर्मल फ्यूल से ज्यादा देगी। राइट। अच्छा जी, फ्यूल एवरेज हो गया, गाड़ी की आप सर्विस वगैरह कराते हैं तो ऑन एवरेज सर्विस कॉस्ट क्या आती है और पार्ट्स वगैरह मिल जाते हैं आराम से? Parts तो मैं Parkwheel से, of course, जब से since I have been using Parkwheel, I'm so comfortable. Any car, any. आप parts store पे जाके parts मंगा लेते हैं, easily available है. Exactly. So आपने parts order कर लिए Parkwheel से, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि लोगों को एक issue होता है कि लोगों के एक कंसेप्शन है, कॉन्सेप्ट है, मिसकंसेप्शन है बेसिकली लोगों के दिमाग में कि इंपोर्टेड गाड़ी की मेंटेनेंस महंगी है। सो आप इसका जो ऑयल चेंज कराती हैं कितने इंटरवल पे कराती हैं और क्या कॉस्ट आती है? इसका ऑयल में 3000 के बाद चेंज कराती हूं और ऑलमोस्ट 4500 कॉस्ट आती है, 4500 रुपए। वो तो मतलब यानी करोला सिविक की भी यही आती है। अच्छा, व्हिच कम्स आउट टू बी 1.5 रुपए पर किलोमीटर, तो वो भी यही है। सो मतलब इंपोर्टेड वर्सेस लोकल में ऑयल इज नॉट अ फैक्टर। इसका जो खाली महंगी चीज है, वैसे मैं यूजर्स को बता लूं, इस गाड़ी के जो ऑयल चेंज में सबसे महंगी चीज इसका एयर फिल्टर है, वो काफी महंगा है। बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो तो नॉर्मल आम होंडा वाले फिल्टर लगता है और तेल भी नॉर्मली डलता है, तो एयर फिल्टर इज द ओनली पार्ट जो कि ज्यादा महंगा है। अच्छा, और उसके अलावा बाकी गाड़ी के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी, कभी गाड़ी आपकी एक्सीडेंट हुआ, कोई लगी खुदा ना खास्ता? नहीं, मैंने स्क्रैचिंग तो हर जगह पर हुई हुई है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मेजर एक्सीडेंट, और वो उसमें पता है क्या गाड़ी का, ये मैं बता रही हूँ ना कि मैंने करोला भी बहुत अरसे चलाई है, मुझे इतना क्लियर नजर नहीं आता था साइड। सो विजन जो है फ्रॉम ड्राइवर्स पॉइंट ऑफ व्यू आप कह रहे हैं कि विजन बड़ा क्लियर है, रोड व्यू क्लियर है, साइड व्यू क्लियर है, तो काफी आपको बेहतर है। नो एक्सीडेंट सो फार। सही है। अब गाड़ी की जो कैपेसिटी है अगर देखा जाए, मतलब फ्रंट सीट पे तो काफी, मैंने पहले इसका एक्सपर्ट रिव्यू भी किया हुआ गाड़ी का, तो अब एक यूजर रिव्यू है तो हम आपसे पूछ लेते हैं कि गाड़ी का जो आपको बैठते हुए लेग रूम, हेड रूम कंफर्टेबल है? बहुत कंफर्टेबल है, बल्कि पिछले दिनों आई हैड टू शिफ्ट माय जनरेटर टू माय ब्यूटी सैलून, तो इसकी जो सीट्स है वो बिल्कुल फ्लैट होकर आपको बहुत स्पेस दे देती हैं। इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक जनरेटर रख दिया इसमें। गुड। और वैसे पिछली सीट पे जो कैपेसिटी है पैसेंजर्स की, अगर कोई बैठे तो आपके ख्याल से ठीक है कि तंग है थोड़ा? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। और जो पाकिस्तानियों की मैं नॉर्मल बात बताती हूँ, पाकिस्तानियों की आदत होती है, कभी कभी आप नोट करें ना, गाड़ी के अंदर 8-10 बच्चे भरे हुए होते हैं, बड़े खुश खुश होते हैं कि ऊपर एक चढ़ा होता है। तो आई डिड दैट वंस, मेरे नीसेज वगैरह, कुछ कजन्स और कुछ बहुत सारे बच्चे आ गए, तो मैंने इसकी सीट्स वही जिस तरह से फ्लैट करके, आई पुट ऑल द किड्स इनसाइड एंड देयर वर लाइक 10-11 बच्चे पीछे और दे वर सो हैप्पी, सो कंफर्टेबल। तो ये फैमिलीज के लिए, जो पाकिस्तानी फैमिलीज के लिए एक स्पेशल ये होता है ना, बच्चे भर के गाड़ी के अंदर लेके जाना, दिस इज द बेस्ट फॉर दैट। अच्छा, वैसे मैं ये बता दूं कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा इससे उल्टा है। आपने बच्चे भरे, लेकिन पीछे अगर बड़े लोग बैठे, एडल्ट्स जो है ना इस गाड़ी में बैठे, तो इसकी जो शेप है ना पीछे खासतौर पर, सो इट्स वेरी कम्बरसम। मैं जब भी बैठा हूँ अनकम्फर्टेबल रहा हूँ इस गाड़ी में पीछे बैठने में। तो यस, एडल्ट्स अगर आगे बैठ रहे हैं दो ठीक है, पीछे भी दो बैठ सकते हैं, बट दे आर्नट कम्फर्टेबल। मैं बड़े लोगों को बिठा, इस गाड़ी की जो पिछली लेग स्पेस और हेड स्पेस है ना वो मेरे ख्याल से कम्फर्टेबल नहीं है। हमने गाड़ी की जो ड्राइव आपको बता, आपने मैंने यूजर्स को बता दिया कि आपको ड्राइव कैसी लगती है, फ्यूल एवरेज कैसी लगती है। एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट गाड़ी का ऑडियो सिस्टम के बारे में लोगों का सवाल होता है, तो आपका ये ऑडियो सिस्टम देख रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि ये जेन्युइन नहीं है, आफ्टर मार्केट आपने इंस्टॉल कराया? ऑफ कोर्स आफ्टर करवाया, क्योंकि एक तो वो एंड्रॉइड यूनिट है, ये एंड्रॉइड है, वो जापानीज में होता है, उसकी लैंग्वेज जापानीज है, वो समझ नहीं आती, उसकी क्वालिटी बहुत कम थी। ठीक है। तो पता नहीं वो सिस्टम के ऊपर क्यों इतनी कंजूसी करते हैं, तो डेफिनेटली मैंने उसको निकलवा कर ये सिस्टम। अभी जो इसकी परफॉर्मेंस है ऑडियो यूनिट की वो कैसी है? मैंने उसके बाद इसमें मॉनिटर्स लगवाए, इसमें स्पीकर्स और डलवाए, तो अब तो बहुत अच्छी है, बट जो जेन्युइन आती है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और इसके जेन्युइन स्टीयरिंग पे कंट्रोल है ऑडियो के, वो तो इसके साथ काम करते हैं। हां, वो तो ऑफ कोर्स काम करते हैं, और वो बड़ा, वो तो खैर अब सारी गाड़ियों के अंदर आ रहे हैं, इसके अंदर कुछ और तो नहीं है। सही है। और आपको इस गाड़ी की रीसेल के बारे में कोई आइडिया है कि अगर आप इसको बेचना चाहेंगे तो बिक जाएगी फौरन के नहीं, या आपने इस पे कोई रिसर्च की थी? हां, मैंने की थी ऑफ कोर्स, जब व्हेन आई वाज बाइंग इट, तो मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की थी इस गाड़ी के ऊपर और इसकी रीसेल के ऊपर, तो वो उस वक्त तो 2017 में तो इट वाज लाइक अ हॉट केक। ठीक है। उसके बाद मुझे पता नहीं चला, क्योंकि चली हुई गाड़ियाँ जो थी वो 34-35 की मिल रही थी, तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि 5 लाख रुपए में अगर मुझे 0 मीटर मिलती है तो व्हाई नॉट दैट। आपने गाड़ी 0 मीटर ली थी, रजिस्टर कराई, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट क्या थी? 75,000 सही हो गया। वैसे मैं आप यूजर आपको बताता चलूं, पहले हमने एक्सपर्ट रिव्यू में बताया हुआ है कि वेजल में दो किस्म की गाड़ियां आती हैं, ये जेड पैकेज है, एक एक्स पैकेज आता है। तो जेड इज द फुली लोडेड, इसमें आपको ऑरेंज लेदर मिलता है, हीटेड सीट्स मिलती हैं, अलॉय व्हील्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, और आपके जो बॉडी पैनलिंग है उसके साथ जो कलर है उसकी स्कीम है वो डिफरेंट है।
बाकी दोनों गाड़ियों का इंजन सेम होता है. Both X और Z grade have same engine, same options as far as these basic options are concerned. बाकी मैंने आपको difference बता दी है और बताने का मकसद भी है कि लोग अक्सर reviews के नीचे पूछते हैं कि ये X और Z का difference बता दें. और ये जो है ये basically RU3 chassis code वाली गाड़ियाँ हैं जो कि टू व्हील ड्राइव है. इसमें फोर व्हील भी आती है, इसमें फोर व्हील भी आती है, उसका chassis code होता है RU4, बट हमारे यहाँ पे बहुत कम लोग मंगाते हैं. उसकी वजह ये है कि उसकी फ्यूल एवरेज ज़्यादा होगी और लोग प्राइमरीली इस गाड़ी को इसलिए मंगा रहे हैं हाइब्रिड को, क्योंकि इसमें जो फ्यूल इकोनॉमी है वो बड़ी अच्छी थी. और 2017 में यस, उस टाइम पे बिल्कुल हॉट केक थी. उसके बाद टोयोटा CHR आना शुरू हुई, साथ साथ में सुजुकी विटारा आना शुरू हो गई. सो अब उसके कंपटीशन में तकरीबन ये 3-4 गाड़ियाँ, अगर किसी ने डिसाइड करना हो तो होंडा वेजल. इसकी पिक बहुत अच्छी है उन गाड़ियों के निस्बत. उसकी वजह यह है कि इस गाड़ी की पिक ज्यादा होने की वजह से, बिकॉज इसमें इंजन के साथ साथ इलेक्ट्रिक मोटर भी लगी हुई है, जिसकी वजह से आपको जो इनिशियल टॉर्क मिलता है ना, और उसकी पिक जो लगती है वो बहुत ज्यादा लगती भी है और एक्चुअली है भी ज्यादा. अगर आप इसको विटारा से कंपेयर करें या अगर आप इसको किससे दूसरी गाड़ी से कंपेयर कर सकते हैं CHR से करें, तो CHR की पिक इससे ज्यादा, बिकॉज वो 1800 cc है, बट उसका प्राइस टैग भी ज्यादा है. आज अगर आपने 2017 मॉडल की यूज वेजल खरीदनी है तो पार्क व्हील्स पे काफी ज्यादा गाड़ियां लिस्टेड है, यूजर्स आप देख सकते हैं. 0 meter गाड़ी अगर आप इस टाइम 2019 में वेजल मंगाएंगे तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड समवेयर 42-43. सो उस लिहाज से यस, गाड़ी की अपनी वैल्यू रिटेन हुई हुई है. और अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें. ज़रूर हम आपकी जो कमेंट्स हैं उनको बड़ा सीरियसली पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने हर रिव्यू को पहले से बेहतर बनाएं. अगर अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे. ये था आज का रिव्यू. आपसे इंशाल्लाह अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी. तब तक अपना और अपने गिर्दोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा. बहुत शुक्रिया जी आपका, आपने टाइम दिया और यूज़र्स को अपनी जो फीडबैक है वो दी, एंड होपफुली पीपल विल कमेंट अबाउट इट और हम आपको भी इनफैक्ट शेयर कर देंगे जब ये लाइव हो जाएगा, सो यू कैन सी व्हाट पीपल आर सेइंग अबाउट योर रिव्यू. थैंक यू.